अरे बाप रे, ये रूस वाले यहाँ भी आ गए। ये रूस वाले नहीं, चाइना वाले लग रहे हैं। देख ले, सबका मुंह एक ही तरह है। नहीं यार, रूस वाले हैं। मुझे तो चाइना वाले लगते हैं। चल यार, इन्हीं से पूछ लेते हैं। मैं पूछता हूँ, मुझे चाइनीज भाषा आता है। चल पूछ। ची चा चू चा चू ची ची चा चू चू चा 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 ची चा चू चू चा 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 चू। ओए, मुंह से गुटका निकाल के बात कर। अरे वाह, इसको तो हिंदी भी आती है। चल भाग जल्दी से, शास्त्री आ रहा है। शास्त्री, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो सभी बच्चों की एग्जाम की पूरी तैयारी है? जी सर, एग्जाम की तो पूरी तैयारी है, पर मतलब ये लोग क्लास में गम लेकर क्यों खड़े हैं? वैसे एग्जाम के कारण हमारी फटी पड़ी है, जो याद करके आए वो भी भूल जाएंगे इनको देख के। देखो बच्चों, इन लोगों को प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि यहाँ नकल से रिलेटेड कुछ गतिविधियाँ होने वाली हैं। कुछ लोग आने वाले हैं जो नकल करवाएंगे, इसीलिए इन लोगों को बुलाया गया है। आप लोग टेंशन मत लो, ये लोग आप लोगों को कुछ नहीं बोलेंगे, बस नकल मत करना। ओके ओके सर। पेपर का टाइम लगभग हो चुका है, आप हमें जल्दी जल्दी पेपर दे दीजिए बस। सर जी, संगोखन सही बोल रहा है, आप पेपर जल्दी दे दीजिए, टाइम हो चुका है और आप पेपर दे नहीं रहे हैं, और बाद में टाइम पर छीन लेंगे पेपर। टाइम पे पेपर दे दो सर जी, जल्दी से। ओके बच्चों, तो मैं सभी लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन पेपर मैं बांटने जा रहा हूं। मैं सभी लोगों को बता दूं, अगर किसी भी बच्चे के पास नकल मारने की कोई भी सामग्री है, जैसे पर्ची, चिट, फोटो स्टेट, मोबाइल, कैलकुलेटर या इससे रिलेटेड कोई भी सामान है, तो चुपचाप मेरे टेबल पर लाकर रख दो। अगर बाद में कोई बच्चा नकल मारता हुआ पकड़ा गया तो उसको डायरेक्टली गोली मार दिया जाएगा, डायरेक्टली हेडशॉट। डरा रहे हैं। तो सभी बच्चों, आप शांत हो जाओ और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। हाँ, तो सभी बच्चों को पेपर मिल चुका है? यस सर, मिल चुका है जी। जी सर, मिल चुका है जी। हाँ जी, तो सभी बच्चे अपना अपना पेपर करेंगे, कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। तो सभी लोग तैयार हैं? रेडी स्टेडी गो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ याद आ जाए, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। ओए, क्या बड़बड़ा रहा है? चुप कर जा, नहीं तो सीधे हेडशॉट लगेगा तुझे, सामने देख। कौन ये मातम मना रहा है? चुप हो जा, नहीं तो तेरे को उठवा के बाहर फेंकवा दूंगा। मुझे तो एक भी नहीं याद आ रहा है यार, आंखें बंद करके याद करता हूँ, शायद कुछ याद आ जाए। बादाम पारन, बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम। अरे यार, क्या याद आ रहा है यार, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, शायद कुछ याद आ जाए। हे भगवान, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्या करूँ अब। चलो अब गाना ही लिख देता हूँ, यही याद आ रहा है तो यही लिख देता हूँ। अब मेरी क्या गलती इसमें, जो याद आएगा वही तो लिखूंगा ना। न जाना ये दिल तेरा दीवाना, जहाँ भी तू जाए मेरे पीछे आए तेरा पागल दीवाना। कौन ये गाना गा रहा है? देखो कौन गाना गा रहा है, मारो इसको गोली, मारो मारो इसको गोली। सर, एक्स्ट्रा सीट चाहिए मुझे। अरे गंजे, पहले पेपर तो शुरू कर, एक्स्ट्रा सीट क्या करेगा, घर लेके जाएगा अपने क्या? ओए मोनू, मेरा आंसर सीट भर गया है, जानता हूँ तुझे तो आता नहीं है, तुझे क्या पता एक्स्ट्रा सीट मांगने की कितनी खुशी होती है। तूने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक्स्ट्रा सीट मांगी है? तुझे क्या पता। मोनू, बेइज्जती कर रहा है तेरी, गंजा बेइज्जती कर रहा है। उसकी बेइज्जती नहीं होगी क्योंकि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। ओए गंजे, तू ज्यादा नहीं बोल रहा है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, इसलिए मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, पता नहीं कब किसके आगे पीछे बैठना पड़ जाए। ओए, मैंने क्या बोला था, कोई भी पेपर के बीच में बकवास नहीं करेगा, शांति से बैठे रहो और जितना मुझसे बच सकते हो बचो, और तू ये ले एक्स्ट्रा सीट पकड़ और चुपचाप बैठ कर अपना पेपर कर।
ओए गोलू, तू नकल मार के लिख रहा है ना? नहीं सर, नहीं, नकल नहीं मार रहा हूँ जी। किसने बोला आपको? विद्या कसम, मैं नकल नहीं मार रहा हूँ जी। खड़ा हो जा तू, और ये बता कि ठंडी चली गई है और तू स्वेटर पहन के आया है, क्यों? सर जी, मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे को बहुत ठंड भी लग रहा है जी, इसलिए पहन के आया हूँ। अच्छा, तो तू ऐसा कर, स्वेटर निकाल अपना। क्यों सर, इतने लोग लिख रहे हैं और आप मेरे पे ही शक कर रहे हैं। सर जी, मैं ऐसा नहीं हूँ जी। तू ज्यादा बकवास ना कर और चुपचाप अपना स्वेटर निकाल। नहीं निकालूंगा सर, ठंड बहुत तेज से लग रही है मेरे को और मैं बीमार हो जाऊंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं निकालेगा स्वेटर। सुनो रे, गोली मार दो उसको। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए सर, नहीं सर। मैं पांच तक गिनती गिन रहा हूँ, अगर इसने स्वेटर नहीं निकाला तो तुम चारों इसको गोली मार देना। नहीं सर, नहीं, नहीं सर, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है सर जी। नहीं सर, नहीं सर जी, आप मेरे साथ ये सही नहीं कर रहे हो जी। एक, दुई, तीन, चार, साढ़े चार, पौने पाँच, नंबर लास्ट आखिरी पाँच। शाबाश गोलू, शाबाश, तेरे से यही उम्मीद थी। इतने क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आए जितने तू चिट लेके आया है। हाँ गोलू बेटा, आप बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? सर जी, इस बार छोड़ दिया जाए जी। क्यों, तू तो बहुत एटीट्यूड से बोल रहा था, अब इतना शांत क्यों हो गया? अब क्यों भीगी बिल्ली बन रहा है? सर जी माफ कर दीजिए जी, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरी मुंह से निकल गई, मेरी मत मारी गई थी सर जी, अब कभी भी नकल नहीं करूंगा। पहली बार है, छोड़ दीजिए सर जी। जी सर, छोड़ दिया जाए। हाँ जी सर, इस बार छोड़ दिया जाए, पहली बार है। चुप, सारे चुप हो जाओ, इस बार तो माफ कर दे रहा हूँ। जब भाग, बाहर सारी पर्चियाँ भाग, क्या फेंक क्या? ठीक है सर जी, फेंक के आता हूँ जी। अगर तूने फिर से नकल मारा तो सीधे गोली तेरे सर पे लगेगी इस बार। सर, दो एक्स्ट्रा सीट चाहिए। ओ चपड़ गंजू, तू अपने बाप के बारात में आया है जो दो दो सीटें मांग रहा है? और क्या, हमने भी पैसे दिए हैं, हम भी मांगेंगे सीट, तू पहले ही खत्म कर देगा सब। ये ले रे, दो सीट। हाँ रे, और किसी को एक्स्ट्रा सीट चाहिए? सीट, एक्स्ट्रा सीट, गरम सीट, ठंडी सीट, सीट वाले, एक्स्ट्रा सीट वाले। सर, मेरा पेपर हो गया। इतनी जल्दी? अरे यार, नकल मारकर किया होगा, हम लोग नकल नहीं मारेंगे, चाहे फेल हो या पास। और क्या, तू सही बोल रहा है, ऊपर भी जाना है, अगर नकल मारेंगे तो ऊपर जाके क्या जवाब देंगे? एक बार और चेक कर ले, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? सर, पांच बार ही चेक कर लिया हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है अभी। ओके, ला। जाऊँ सर मैं? नहीं, नहीं जाना है, अभी एक घंटा पड़ा है, सबकी छुट्टी एक साथ होगी। क्यों सर, मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? क्यों, तुझे स्कूल वाले पागल दिखते हैं क्या? तू बाहर जाएगा और क्वेश्चन पेपर लीक कर देगा तो? ये क्या लॉजिक हुआ सर, अब यही क्वेश्चन पूरे शहर वालों के लिए आएगा क्या? पता नहीं क्या लॉजिक लगाते हैं स्कूल वाले, जो पहले पेपर कर लिया उसको क्यों नहीं जाने देते ये? बकवास ना कर, चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जा और जितना मुझसे बच सकता है बच। ओए मोनू सुन, मोनू, सुन रे वो गधे। हाँ बोल। दूसरा वाला आता है? दूसरा वाला नहीं आता है यार, मैं अपने से बना बना के लिख रहा हूँ, तू भी कुछ भी लिख दे, बस आंसर सीट भरा रहना चाहिए और दोनों साइड लाइन भी खींच देना ताकि कम लिखना पड़े। ओके ओके, करता हूँ। अरे वाह वाह गंजे वाह, तेरी तो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, लगता है कि तूने कंप्यूटर से टाइप किया है। गुड, बहुत अच्छी लिखावट है तेरी। मुझे दिखाना सर, सर इधर मुझे दिखाना कितना अच्छा लिखता है ये, मेरे से अच्छा तो नहीं लिखा होगा, पक्की बात है। ये देख ले, देख, तेरे से भी अच्छा लिखा है। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, अच्छा तो लिखा है, मानना पड़ेगा, काफी अच्छी लिखावट है सर इसकी, मैं भी ट्राई करता हूँ ऐसे ही लिखने की। सर ये क्या, सर ये क्या? तू बैठ जा, बोला ना कि अभी नहीं जा सकता है, तू बैठ। सर ये बात नहीं है, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो सर। तू चुपचाप बैठा रहे। सर जी मुझे भी दिखाना कितना अच्छा लिखता है ये, मुझे तो नहीं लगता है कि अच्छा लिखा है।
ये ले, तू भी देख ले, तेरे से भी अच्छा लिखा है, ये ले। हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं, मुझे तो आज तक गंजे की शक्ल पसंद नहीं आई, लेकिन इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मैं भी ट्राई करता हूँ इसकी तरह लिखने की। सर मेरी बात सुनिए सर, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो सर। ओए तू नहीं जाएगा, जब तक टाइम पूरा नहीं होगा तू नहीं जाएगा, बैठ बैठ अभी। सर ये गलत है सर, ये गलत है। ओए अब तू चुपचाप बैठ जा, अगर तूने फिर से बोला तो सुनो रे, इसको गोली मार देना, सीधा हेडशॉट मारना इसके गंजे पे। अरे सर आपने मेरा पेपर इन दोनों को क्यों दे दिया है, ये दोनों मेरे पेपर से देख कर लिख रहे हैं, क्या करूँ अब मैं, बोल भी नहीं सकता। सर जी स्कूल के स्टाफ रूम में टिक्की समोसा चाउमीन और मोमोज आया है, साथ में ठंडा भी है, सब टीचर लोग खा रहे हैं, जल्दी से जाइए नहीं तो खत्म हो जाएगा। तुम लोग देखते रहना कोई नकल ना मारे, और जो नकल मारेगा उसको गोली मार देना। हटो 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 हटो। ओह या।